फिर एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म है, एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन मार्केटिंग की नज़र से हम देखें तो एक टूल है लोगों तक पहुंचने का। बिल्कुल। ठीक है, आपने अपनी सारी स्ट्रेटजी उस टारगेट ऑडियंस के गिर्द ही बनानी है। अब फॉर एग्जांपल दिलावर बटन की बात कर रहा था इधर सीटीएस की। अब डॉक्टर्स के केस में तो बुक एंड अपॉइंटमेंट समझ आती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी ने बेड बग्स, ये जो होते हैं खटमल, खटमल का पता जी जी फ्यूमिगेशन अच्छा पता है, ठीक है, कराची वालों को ज़्यादा पता होगा वैसे ही ये, क्योंकि ऊपर अपनी वाली साइड पंजाब वाली साइड पे ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जहाँ पर नमी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, इसके लिए ना लोग सर्विसेज होते हैं, छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनको भगाने के लिए ना ये किस्म के कीड़े होते हैं जो चिपक जाते हैं, खून चूसते हैं बंदे का, ऐसे ही है ना नवीद भाई? हाँ ऐसे ही। तो होता क्या है कि इसके लिए हायर करते हैं तो वो बंदे आते हैं और वो स्प्रे वगैरह करते हैं, हमारे मॉस्किटो लगा लो, अब रिलेट कर पा रहे हो? जी बिल्कुल। तो लगा रहा। अच्छा अब बताओ कि अगर कोई हम किसी इस ऐसी सर्विसेज के लिए एड ज्वाइन करते हैं और लैंडिंग पेज बनाते हैं अपना, उसके ऊपर क्या सीटीए रखेंगे हम? कॉल फॉर सर्विसेज। कॉल फॉर सर्विसेज, ओके, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट अस, या वो कॉल का बटन तो लाजमी देंगे ना, और उसके साथ कॉन्टैक्ट अस, कॉल नाउ, ऐसा कोई देंगे। ओके, कोई और कोटेशन एरिया के हिसाब से गेट कोड। दिलावर? कोटेशन आई थिंक सो ये आएगा, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी सर्विस ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई घर बनवा रहा है या कोई स्विमिंग पूल बनवा रहा है या कोई सर इसमें एक चीज होता है ना कि एरिया के हिसाब से। हम किसी बी टू बी के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, फिर तो गेटा कोड की समझ आती है, इधर क्या सिटी आना चाहिए? कस्टमर रिव्यूज। सिटी है, सिटी है, सिटी है, कस्टमर रिव्यूज और चीज है, सिटी है बताओ क्या? अच्छा सीटी। यार ये मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये आप लोगों को बोरिंग तो नहीं फील होता? कुछ समझ भी आती है? इंटरेस्टिंग फील होता है। चलो गुड है यार, बाकियों की लगता नहीं आती, किसी का जवाब नहीं आया। भाई समझ आती है, इसमें वरिंग क्या है, मजा आ जी रहा है। ये जब पहली कैंपेन चलाओगे ना सारे मजे निकल जाने उधर ही। आपका ही सर खाएंगे उसके बाद। हाँ भाई कैंपेन तो मुश्किल नहीं है, लेकिन क्लाइंट मुश्किल है। अभी तो क्लाइंट मिलना ही मुश्किल है। हाँ वो साथ आता है ना, एक के साथ एक फ्री, तो ये तो आना है। सर स्टार्ट में क्लाइंट ढूंढना मुश्किल लग रहा होता है, क्लाइंट आने के बाद डिलीवर करना मुश्किल लग रहा होता है। बहुत, और ये अब इंटरनेट एज है, इसके अंदर आप अंडर डिलीवर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपकी सारी की सारी रेपुटेशन खराब हो जाती है, समझ रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ, तो
तो ध्यान से वही किसी का नुकसान ना कर देना। इंशाल्लाह। उस्मान भाई कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को रगड़ा कराना है बस ठीक है। ओके यार बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉलर्स का ही एक सहन में आ रहा है, फॉर्म का हम कर सकते हैं परफॉर्म। ओके ये देखो ये है, अब इस बिजनेस के नेचर समझनी पड़ेगी। अब हमें बैठना पड़ेगा उसके साथ, हमें पूछना पड़ेगा भाई अच्छा आपके जो कॉल्स आती हैं, आपके पास में जो कॉल्स आई हैं ये बताएं कि उन कॉल्स में उनको इमरजेंसी आपकी सर्विस की ज़रूरत थी या वो कुछ मालूमात लेते हैं पहले। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कहेगा इमरजेंसी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉल नाउ का बड़ा सा बटन चिपका देंगे, जैसा कि अब फोन होता है ना लैंडिंग पेज खोलो तो छोटा सा बटन आ रहा होता है साइड पे व्हाट्सएप, और वो छोटा सा आ रहा होता है, वो नहीं आप करेंगे। आप सीधा नीचे एक स्लाइड सी बना देंगे, उसके ऊपर कार रेड सा होगा ताकि वो देखते ही दबा दे बटन, ठीक है। ओके अच्छा आप उसके ऊपर लिखोगे क्या, आप उसके ऊपर लिखोगे क्या, बुक नाउ, कॉल नाउ इधर आएगा, लेकिन कोई क्रिएटिव बताओ क्या लिखोगे उस पर। कॉल अस फॉर क्विकली सर्विसेज, ऐसा कुछ और कुछ आगे कोई और बताए। कॉल फॉर रिलीफ, क्या लिखोगे काशिफ? फॉर रिलीफ, कॉल फॉर रिलीफ, नाइस, क्विक रिलीफ, रिलीफ बटन लिख देंगे। यार इतना भी नहीं, अब रिलीफ के पीछे जाओ, कोई और ही बता दो यार। ओके ये चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे काशिफ ने कहा कि कॉल फॉर रिलीफ, इस तरह के आप डिफरेंट चीजें टेस्ट करते हो, ठीक है, इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं, या ये, ठीक है, इनमें से कौन सा विनर होगा, या ये होगा या ये होगा, तो हम आओ जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं ए बी टेस्टिंग। ओके आप क्या करोगे, स्प्लिट कर दोगे। वैसे बता रहा हूँ कि कुछ लैंडिंग पेज जो बिल्डर्स होते हैं वो आपको ये एक प्रिविलेज देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, 50% ट्रैफिक एक लैंडिंग पेज पे डाइवर्ट कर सकते हो, 50% एक पे। उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कौन सा हाई कन्वर्टिंग है, और टेस्टिंग कर करके लोग 60% कन्वर्जन रेट पे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा, कोई 100 बंदे आए हैं आज आपके पेज पे, जिन्होंने 100 ने क्लिक करके जो आए हैं, 100 में से फॉर एग्जांपल 50 ने क्लिक किया ना, 50 का 60% लगा लो वो हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे, और 60% मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ, यानी 50 क्लिक्स करके आए और उसका 60% लगाओ, 60%, हाँ, तो 30 उसमें से 50 में से जो 30 बंदे हैं ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। ये एक तब आ जाती है जब आपके पास एक डाटा होता है, और जब आप टेस्टिंग कर करके आपको समझ आ जाती है कि ये ऑफर्स कस्टमर को ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो सर ये आप ए बी टेस्टिंग की बात बता रहे हैं, ए बी टेस्टिंग की गूगल एड्स में, ये तो बहुत फेसबुक एड्स में, 60% अचीव किया हुआ है, इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने देखा है 60%। ओके फिर उसमें बजट तो लगाना पड़ता है ना डिफरेंट टेस्टिंग करने के लिए, क्लाइंट फिर उतना होना चाहिए अच्छा। हाँ ये चीज़ भी है, बट अगर आप साथ साथ रिजल्ट ला के दे रहे हो और साथ साथ टेस्ट करते रहो कोई मसला नहीं है। फेसबुक कोई चलाता है फेसबुक एड्स? जी सर थोड़ा रन किया हुआ है, बाकी कैसी होती है एबी टेस्टिंग? जी सर उसमें कैसी होती है एबी टेस्टिंग? उसमें सर क्रिएटिव की बुनियाद तक है, क्रिएटिव है और आपका एड कॉपी है वहां पे, क्योंकि कीवर्ड्स नहीं है तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है ज्यादातर। कैसे रिजल्ट्स आते हैं फेसबुक एड्स से? सर आते हैं, लेकिन जो मेरा अचीवेबल है अभी तक कन्वर्जन, वो मैक्सिमम बता रहा हूँ 1.2-1.5 है, इससे ऊपर नहीं है। किसके लिए आप रन ऐड करते थे इस चीज़ के लिए? मैं सर अपने ये स्टोरी ई-कॉमर्स स्टोर पे रन करता हूँ। ओके लोकल? यस ठीक है। किससे सीखी थी आपने फेसबुक एड्स? सर सीखी तो वैसे ठोकर खा के
खुद नहीं सीखी थी, सिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक पेड कोर्स किया था मैंने हमजा अली का, नाम सुना होगा शायद आपने, हमजा अली लखनऊ से, हमजा अली। अच्छा तो इनसेन का पेड कोर्स मैंने परचेज किया था, उन्होंने ए बी टेस्टिंग करना नहीं सिखाई, इस तरह की चीजें सिखाई? जी जी ए बी टेस्टिंग की भी है मैंने, लेकिन सर ए बी टेस्टिंग का इतना ज्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो क्रिएटिव पे ही काम करता हूँ, तो उसमें हमें इतना खास कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एड कॉपी हमारी सेम ही होती है सारी। हमजा अली कहाँ के हैं यार ये? कराची के ही हैं। हमजा अली एफ बी एड्स लिखे आज। हंजला अली, हमजा अली, हमजा अली। ओके ओके, ये जो ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं वही तो नहीं? यप यप, ये एचबीए सर्विसेज वाले? नहीं नहीं वो वाले नहीं, वो वाले नहीं, वो तो हाफ यार, वो तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह माफ करे, बैठना भी मेरे पास बाद में, ठीक है? ठीक। एहसान भाई, हाँ जी, वो एक क्लाइंट आया है कह रहा मैंने गूगल ऐड रन करवाने हैं लेकिन वेबसाइट नहीं है। ओके, किस पे उसकी सर्विस के है? वीजा रिलेटेड सर्विसेज हैं, वीजा रिलेटेड सर्विसेज हैं। उससे पूछो कि आप क्या उसका नाम, अगर मैं आपके फ़ोन पे चलाऊं तो क्या रिस्पॉन्स है, पहले आपको क्लाइंट कैसे अप्रोच करते हैं, आपने कभी फेसबुक पे ऐड चलाए हैं? इससे रिलेटेड पूछो, अगर वो कह रहा है कि, अगर उसको पहले तो कहो कि लैंडिंग पेज बनाएं, उसका लैंडिंग पेज उससे कहो कि ये इसकी सब्सक्रिप्शन ले के दें तुम्हें, क्या नाम है यार, क्या नाम था दानिश उस वेबसाइट का लैंडिंग पेज बिल्डर जो है, अनबाउंस, अनबाउंस का ना, अनबाउंस था वहां से भी, और भी बताई थी कोई और मुझे, एपीसी के लिए हैं स्पेशल, इसकी इसकी जो है ना वो एक्सपर्टीज, तो किधर गया हनान जी, ये रहा, उसको भेजो ये, इसको अगर सब्सक्रिप्शन लेके दो मैं आपका लैंडिंग पेज बनाता हूँ, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है आप इजीली बना लोगे, ठीक है? उसको को मैं एड्स रन कर देता हूँ, बट ये है कि जो कॉल के ऊपर अगर मैं ऐड रन करूँ तो आप मुझे पास में बताओगे आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की है तो उस पर आपको किस पे आपने कॉल डाइवर्जन किया, क्या किया आपने, ठीक है? बाकी उनको बता दो कि लैंडिंग पेज का फ़ायदा है आपकी, एक तो ब्रांडिंग भी साथ साथ होती रहेगी, प्लस ये है कि हमारे पास सही डेटा पाकिस्तान में करने नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, वो यूके में बैठा हुआ है, वो उधर यूके में बैठा हुआ है। बनवाओ ये उससे, उससे तो बनवाओ ना लैंडिंग पेज, ठीक है? चलो करता हूँ बात, क्योंकि वहाँ थोड़ी पढ़ी लिखे लोग हैं और वहाँ ये सीन नहीं होगा, वहाँ पे है भी ये वीजा सर्विसेज हैं। Yes, visa services. Okay, इसमें क्या होगा? बुक ये करेंगे अपना, इसका नाम फॉर्म फिल होगा इसके अंदर, बाकी इसके कंपटीटर्स देख लेना जो पहले एड्स रन कर रहे हैं, उनके देखना सीटीए कैसे हैं, कौन फेसबुक गूगल एड्स चला रहा है और कौन ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। एक निशानी है कि उसके बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स में एड चल रहे होंगे, सही है? अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ ली आप लोगों ने? यस। ओके रुको, आज हेलो हाय वाला लेक्चर ही है ज्यादा। बॉक्स
हाँ जी पूछे क्वेश्चन जी। इसाम भाई गूगल एड्स में हम जब कैंपेन रन करते हैं तो उसमें जो हम यूआरएल देते हैं ओके अच्छा यूआरएल देते हैं वो अपनी वेबसाइट का देते हैं जैसे ठीक है, तो अगर कोई अगर हमारा एड ट्रिगर और यूजर उस पर क्लिक करे तो वो सीधा उसे हमारे लैंडिंग पेज पे ले जाते हैं। इसी तरह एड्स रन हो रहे हैं जब उस पर क्लिक करो तो उसके आगे हम या फेसबुक पेज पे पहुंच जाते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस पे, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की, एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा। ओके जैसे हम अगर हमारा एड कहीं ट्रिगर हो, कोई सर्च हमने की हो तो उसके नीचे अगर हमारा एड ट्रिगर हो, कोई क्लिक करे तो हमारे लैंडिंग पेज वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं ठीक है। लेकिन मैंने जिस दिन आपने एक दिया था टॉपिक, मैंने उस पर रिसर्च की तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एड्स आए थे जिसपे हम क्लिक करते थे या तो उनके फेसबुक पेज पे पहुंच जाते थे या तो यूट्यूब वीडियोस पे, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? आपने लिंक उसका यूट्यूब से जब करोगे तो वीडियो एड्स आप सीखोगे, उससे यूट्यूब चैनल को लिंक कराना होता है और उसके एड्स चल जाते हैं। आप अगर लिंक का कह रहे हो डायरेक्ट लिंक, आप फेसबुक का भी पुट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का पुट कर सकते हो, लेकिन ये है कि वो ट्रेसेबल नहीं है, मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्शन ट्रेसेबल है, आप उसको कन्वर्जन आप गूगल को पता चल सकता है कि क्या कन्वर्ट हो रहा है क्या नहीं। जब वो जाता है इंस्टाग्राम पे वो दूसरे डोमेन में निकल जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है दूसरे डोमेन में निकल जाता है, क्लिक का व्हाट्सएप का काउंट कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया वो काउंट नहीं कर सकते ना उसको ट्रैक कर सकते हो। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा डिपेंड करता है वो किस तरह का बिजनेस था, किस तरह का बिजनेस था वो चेक कराओ है वो। मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए, देखिए मैं चेक करती हूं अभी। अब कर लो, अभी स्क्रीन शेयर करके सर्च कर लो ना। ओके मेकिंग मैपिंग कीवर्ड्स। ओके यार अब मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट, आपको ये तो पता है ना विद बिल्डिंग स्ट्रेटजी। ओके बिडिंग स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजी के बाद सॉरी ओके मैच टाइप गोल। अच्छा मुझे बिडिंग स्ट्रेटजीज बताओ जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोगों को समझ आई हैं, बारी बारी जल्दी से बताओ। पहली मैनुअल सीपीसी। ओके आपको लग रहा होगा छोटी सी बात है लेकिन छोटी सी बात नहीं है। ये चीजें इधर नोट करते हैं, गूगल ऐड इतनी मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू के अंदर यही चीजें वो देखते हैं। टारगेट इंप्रेशन शेयर, टारगेट इंप्रेशन शेयर, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैनुअल सीपीसी, एनहांस्ड सीपीसी, मैक्सिमाइज करना और क्या? वही मैनुअल सीपीसी हो गई है, एनहांस्ड सीपीसी ओके और है टारगेट आरओएस, कॉस्ट पर व्यू, अभी सर्च तक रहते हैं और सर्च के वाले से बताओ। ऑटो बिडिंग स्ट्रेटजी, टारगेट सीपीएम हो गया और व्यूएबल सीपीएम, अभी उसको रहने दो बाद में करेंगे, वो काफी हैं इतने वो वीडियो एड्स
वाली साइड आ जाती है, एक सेकेंड, वो जब करोगे तब करेंगे वो। ओके इसका गोल क्या होता है और ये हम किस लिए ये भी बताना है हम किस लिए यूज करते हैं, व्हाई वी यूज इट, और इसका गोल क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड बजट के लिए, रिस्ट्रिक्टेड बजट, रिस्ट्रिक्टेड बजट मतलब क्या, एग्जांपल दो, मतलब बजट पे कंट्रोल हो। ओके 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 ठीक है, ये बात सही किया तुमने, रिस्ट्रिक्टेड बजट नहीं ये वाला। ओके बजट कंट्रोल और क्या चीज है, और कोई क्यों यूज करते हैं हम सर, स्टार्ट में इनिशियल लेवल पे इसको यूज करते हैं, जब आपका एड अकाउंट नया है और आपको नहीं पता, बिल्कुल स्टार्ट में शुरू शुरू आपने सीखना शुरू किया है उसमें। okay. भी यूज़ सही है, या कुछ टेस्टिंग हमने करनी हो तब हम मैनुअल सीपीसी यूज करते हैं। टेस्टिंग करनी हो तो हम मैनुअल सीपीसी यूज करते हैं, मतलब यानी कुछ कैंपेन अगर हमने कुछ टेस्टिंग कीवर्ड्स हम सपोज हमारे पास नहीं है और हम टेस्टिंग करते हैं कुछ कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। आपको बता दूं जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट होगी ना, जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट करोगे आप, एज यूजुअल क्या होता है कि हम इनसे स्टार्ट करते हैं, ये जरा अपना आवाज की समझ नहीं आ रही, महक आपकी तरफ से आ रहा है, बंद करिएगा या बैकग्राउंड से आवाज, अब आ रही है सही आवाज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट होती है तो एज यूजुअल इन तीन से होती है, ठीक है, इन दो से, और जब कुछ कन्वर्जन आने लग जाए अराउंड 7 to 10 या 5 to 10 के दरमियान कन्वर्जन आने लग जाए इन अ वीक, तो हम चले जाते हैं ईसीपी से, और कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हो पिछले 2 हफ्तों से या 1 हफ्ते से, कंसिस्टेंट 1 हफ्ते से ऐसे रिजल्ट आ रहे हो तो ईसीपी से हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एज अ स्टार्ट हम ऐसे करते हैं सारी कैंपेन्स का। कोई क्वेश्चन, नो सर, किसी ने ये नहीं पूछा कि हमने अगर कन्वर्जन लानी है तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्यों नहीं यूज करते हम शुरू में, क्योंकि उस पे बजट ज्यादा सर डिपेंड करता है नीच पे, डिपेंड करता है बिजनेस पे, ई-कॉमर्स के लिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको, ई-कॉमर्स के लिए हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू को करते हैं, क्योंकि उधर वैल्यू डिफाइंड होती है बहुत अच्छे से। बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन हम यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा 90-80% केसेस में लीड जेन में, जहाँ वैल्यू हमें डिफाइन करना बहुत मुश्किल होती है तो हम कन्वर्जन के पीछे जाते हैं। इसकी वजह समझ आ गई क्यों करते हैं ऐसा, बता दिया मैंने। ओके जी समझ में आ गई, ठीक है। भाई इसको एक बार कीजिएगा रिपीट, भाई ने कहा कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जो ये हम इसको ई-कॉम में यूज करते हैं, हम ई-कॉम में प्रेफर करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू को, क्योंकि उधर हमारे पास वैल्यू डिफाइंड होती है, एक कन्वर्जन की वैल्यू पता होती है, जब एक प्रोडक्ट बिकता है तो पता लगता है कितने की कन्वर्जन है, तो इतने ही की है, लेकिन लीड जेन में ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप लगा सकते हो कि इस कॉस्ट की क्या वैल्यू होगी, कोई स्विमिंग पूल छोटा होगा कोई बड़ा होगा, किसी का मटेरियल कैसा यूज करेंगे किसी का कैसा करेंगे, उस हिसाब से कॉस्टिंग अप एंड डाउन आएगी, नहीं पता लगा सकते, तो इस वजह से हम वहाँ $1 की वैल्यू लगाते हैं या 1 dirham की वैल्यू लगाते हैं हम मैक्सिमाइज करेंगे। ये तब हो सकता है जब हम एक लेवल पर पहुंचे, बहुत डीप में चले जाए, हमें पता हो एक एक चीज, हमारे पास फास्ट डाटा बहुत ज्यादा हो, उसकी बेस के ऊपर फिर हम एक वैल्यू
एडजस्ट कर देते हैं, एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि हाँ यार ये वैल्यू इर्द गिर्द बनती है इसके करीब, एवरेज वैल्यू ये बनती है तो हम इसको कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात है। 90% केसेस में मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज करते हैं, उसकी वजह मैंने बता दी है लीड जन में क्यों करते हैं। लेकिन वो तब करते हैं जब हमारे पास डाटा आता है उसके बाद, एटलीस्ट 30 से मैक्सिमाइज कन्वर्जन। जी ओके, ये भी अब आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ, आपने जो बात की है कि किस चीज को देख के आप कह रही हो, आपने किस चीज का जवाब दिया ये कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन, हम आपने पूछा था स्टार्ट में क्यों नहीं यूज करते, सब बता रहे थे इसलिए मैं सुन रही थी। मैंने इसका जवाब दिया कि स्टार्ट में हमारे पास डाटा नहीं होता इसलिए हम स्टार्ट में उसको नहीं यूज कर सकते मैक्सिमाइज कन्वर्जन से। ओके सर, मैं यहां पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा कुछ कितने दिनों का चाहिए, कितने दिन की कन्वर्जन का चाहिए मिनिमम? 30 से 40 कन्वर्जन, 30 कन्वर्जन होनी चाहिए उसके बाद आपके मैक्सिमाइज कन्वर्जन। पास्ट 30 डेज में आपके पास ना 30 कन्वर्जेंस हो, जब भी आपने लगानी है ना, आपके पिछले 30 दिनों में 30 कन्वर्जेंस आई हो, 25 से 30, बट सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं फेसबुक के ऊपर जब ऐड रन करता हूं तो मैं डायरेक्ट कन्वर्जन के एड्स रन करता हूं, अवेयरनेस के ऐड रन नहीं करता, चाहे वो नया पेज हो या पुराना, तो उसमें भी वो कन्वर्जन स्टार्ट में एक दो ही उठाता है, लेकिन उठाता जरूर है। तो क्या गूगल में भी है या इसका ये फिक्स रूल है कि नहीं, पहले इसका पिक्सल जो है या जो भी इसका इंटीग्रेशन है उसके पास डेटा हो, देन उसकी बेस के ऊपर ये ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाएगा? ये देखो, अब हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है, मैंने ये देखो लिख दिया ना, कहते हैं 30% है और ऐसा है, कॉस्ट बहुत लगती है, बल्कि अगर कन्वर्जन भी आए हैं ना तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर जाओ तो एकदम कॉस्ट उठती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिल्कुल, अब होता क्या, अगर आपका लैंडिंग पेज ना, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है कि आपका लैंडिंग पेज इतना ऑप्टिमाइज्ड है, उसकी जो कॉपी है वो वेल रिटन है, वेल मैच्ड है, ठीक है, और रिच कॉन्टेंट है आपके अपना लैंडिंग पेज के ऊपर, टू द पॉइंट है, इस केस में आप टेस्ट करके देख सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स को, टारगेट सीपीए को भी करके देख सकते हो। सही, लेकिन उसके लिए जो बैकएंड पे आपका क्लाइंट है या आपकी आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। तो इससे अच्छा आप ये ट्राई करें, आप शुरू में इसी को लेकर चलें, 25 से 30 कन्वर्जन वाले सीन को मैं ये रिकमेंड करूँगा। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों की चलते हुए देखी है मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस पे, शुरू में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं की, ना मैनुअल ना कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा था, मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगाई, दो तीन दिन कोर्स रज के आई, फिर कोर्स गिरना शुरू हो गई, कन्वर्जन आना शुरू हो गई। एक्चुअल पॉसिबल है, ऐसा होता है, बट अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हमारा आइडियल स्टार्ट इधर से होना चाहिए। क्यों बताओ, हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए। रिस्क कम से कम हो जाए वो तो हमने करना ही है गूगल एड्स में, इसकी स्पेसिफिक रीजन बताओ, जैसे अब तुमने पहले बताया बजट कंट्रोल की, टू द पॉइंट थी, ऐसी कोई रीजन बताओ। हम इनिशिए क्यों करते हैं? एक तो ये रीजन होगी, हमारे डाटा नहीं होता, ठीक है, समझ में आती है, और मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स आप उसकी तरफ लेके चलेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हो, आपका लैंडिंग पेज वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, आप कर सकते हैं, बट उसमें भी कॉस्ट जाएगी ऊपर। आप बताएं इसके अलावा कि हमारे पास डाटा नहीं है, इस इनको यूज़ करने की क्या वजह है? सर एक तो ये कि डाटा हमारे पास आ जाए, ओके करीब हो, और दूसरा जो सर हमारी टारगेट ऑडियंस है या जो हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, जो कन्वर्ट हो सकती है। गुड, ये देखो अब इसका इसका गोल क्या है, इनका एक सही दे दिया, इसका गोल क्या है, इन इनका इसका गोल क्या है, इन दोनों का, इन बिडिंग स्ट्रेटजीज का?
कन्वर्जन ना गलत बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। हाँ जी बोलो। सर्च टर्म्स, नेक्स्ट सर्च टर्म, सर्च टर्म्स आ जाएं हमारे पास, यानी कि डाटा आ जाएगा हमारे पास। डाटा तो ऑटोमेटिकली आएगा, जो मर्जी चलाओगे ना डाटा आएगा आएगा, वो तो आता ही है। इन दोनों कैंपेन का गोल क्या है? मैक्सिमाइज टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। क्लिक्स का होता है कि हमारा जितना बजट है उसमें जितनी हो सके उतने ही हमें क्लिक्स मिल जाएं, इसलिए ओके, हम मैक्सिमाइज क्लिक्स को चूज करते हैं। मैनुअल सीपीसी। और मैनुअल सीपीसी इसलिए हम चूज करते हैं कि हमारे पास हम ईच जो हमारा क्लिक होता है उसकी हम जो कॉस्ट है वो गूगल को खुद देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं और इतने में ही हमें ये क्लिक चाहिए, इसलिए हम मैनुअल सीपीसी जो है वो चूज करते हैं, ताकि तो हमारा गोल क्या जितना हुआ? गोल यही है कि मैक्सिमम मैनुअल सीपीसी मैक्सिमम क्लिक्स का तो यही है कि हमारे पास जितने हो सके उतने क्लिक्स आ सकें, ठीक है। ओके और मैनुअल सीपीसी का गोल हमारा यही होता है, इसमें हमें क्लिक्स भी मिल जाते हैं और कन्वर्जन भी मिल जाती है। कन्वर्जन्स नहीं है देखो ये मैक्सिमम। आशा होगा कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी रसाई पहुंचे, मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब मैनुअल सीपीसी कम से कम पैसे, मतलब अगर हम सेट कर देते हैं उसमें मैनुअल सीपीसी जो भी सेट कर देते हैं तो कम से कम में मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। किस्म की टेस्टिंग भी कह सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस में लोग कितने इंटरेस्ट रखते हैं श्रम में, क्लिक्स वगैरह से ये आगे। तुमने बिल्कुल ये इसकी वाली बात की है, अपना क्या नाम है इसका, दिलावर आप थे ना, आपने बताया था ना थोड़ी देर पहले, अपना सर दिलावर ही था। अब आप वही वाली बात कर रहे हो सेम, और ये बिल्कुल सही है। टेस्ट मेन बजट होता है, मेन चीज होती है कि आप मैनुअल सीपीसी इस वजह से यूज करते हो, मैक्सिमाइज क्लिक्स इस वजह से यूज करते हो कि आपको एक तो कन्वर्जन डाटा नहीं है। इधर गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स का मतलब ये होता है कि कम से ज़्यादा जितना आपका बजट है ना उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेके आना, ठीक है। तो क्लिक्स जब आएंगे एक पेड ऑडियंस आएगी, पेड ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी आपको लैंडिंग पेज देख के, या कन्वर्जन करती है नहीं करती है? अगर कन्वर्जन आ रही है तो आप आगे मूव करेंगे, अगर नहीं आ रही तो आप देखेंगे क्यों नहीं आ रही, नंबर वन, ठीक है। ओके मैनुअल सीपीसी क्या होती है? मैनुअल सीपीसी ये होती है कि हम अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से गूगल को पैसे लगाना चाहते हैं कि ये ले पकड़ पैसे और क्लिक ला के दे। तो इसका दोनों का मतलब, इन दोनों का जो गोल है ना वो क्लिक है, ठीक है। ओके और मैनुअल सीपीसी क्या हो, ई सीपीसी क्या हो जाती है कि मैनुअल सीपीसी जिसके अंदर हम अपने पास कंट्रोल रखते हैं, वो हम कंट्रोल क्या दे देते हैं उसका गूगल एल्गो को। अब वो डिसाइड करता है कि कितनी डिफरेंट डेटा पॉइंट से, कि कितना ये बंदा बैकग्राउंड से क्या चीज़ें सर्च करता हुआ आ रहा है, क्या चीज़ें देखता हुआ आ रहा है, कितने चांसेस हैं कि ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से ये ई सीपीसी उसकी बिड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। फिर आपके हाथ से ये कंट्रोल निकल जाता है इंक्रीज डिक्रीज का, लेकिन सेट आप कर सकते हो मैनुअली, ऑन द स्पॉट ऑक्शन होगी उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करेगा और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज करके बिड को ये आपको क्लिक दिलवा के देगा। आई बात समझ? क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन किसका था भाई? महक क्वेश्चन समझ आई है आप लोगों को इस बात की? जी जी भैया, ये वो एक क्वेश्चन था वो भूल गए। सर, इसके अलावा किसी को कुछ इधर समझ नहीं आई हो? समझ आ गई अब हम क्यों यूज करते हैं ये बिडिंग स्ट्रेटेजी शुरू में? जी इसाम भाई, उस दिन जैसे मैंने बताया कि मैनुअल सीपीसी में हमें क्लिक्स भी मिल जाते हैं, कन्वर्जन्स भी हमें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उस्मान सर ने भी यही बताया उस दिन एक बात, बिड स्ट्रेटजी का परसों जा रहा था ये जो है ना टॉपिक, मैनुअल और सेमी ऑटो या सेमी ऑटोमेटेड, ये जो स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम कैंपेन जब बनाते हैं तब हम 7 दिन वो लेगी लर्निंग के लिए, तो हम क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स,
ठीक है, इस पे चला देते हैं, उसके बाद 7 दिन की या इससे ज़्यादा अगर ले लें लर्निंग के बाद हम मैनुअल सीपीसी पे लगा दें तो हमें कन्वर्जन आ जाती हैं। तो इधर कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी बनता है कि मैनुअल सीपीसी से हमें कन्वर्जन्स भी मिलती हैं, और क्लिक्स तो मस्ट होते हैं ना, कि हम एक क्लिक के कितनी कॉस्ट दे रहे हैं, हमारी मर्जी होती है, और कहीं ना कहीं हमें कन्वर्जन्स भी तो यहाँ से मिल ही जाती हैं। हाँ मिल जाती है। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप लोग अभी कैसे सब देख रहे हो जो मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया, आपको मैं चांद दिखाने का ना एक तरीका बता रहा हूँ। देखो ये दूरबीन है, इधर से देखोगे तो चांद नज़र आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि चांद उधर ही है। ये बिल्कुल जो मैं आपको बेसिक्स आपकी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी जी बेस जी जितनी मजबूत होगी ना, आपको जरूरत नहीं होगी किसी की कि भाई मुझे बता के मुझे क्या करना चाहिए। आप केस स्टडीज पढ़ोगे, आपको पता होगा शुरू से मैंने क्या करना है, बस एक आपकी बात रह जाएगी इसके बाद, डाटा को कैसे रीड करना है, बस वो आप खुद सीखना प्रैक्टिकल कर करके, ओके वो सीखते ही रहोगे। अच्छा ओके भाई, मेरे मैनुअल ये बात सीपीसी तो बुक्स आपको क्लियर करते इनकी हैं, बात, ओके मैनुअल सीपीसी अभी क्लियर नहीं हुई हो गई यार, कोई दिलावर कन्वर्जन। आप दिलावर मैंने जो बातें की हैं बताओ। सर मैनुअल सीपीसी से मुराद ये है कि बींग अ पाकिस्तानी, मैं अपने ऊपर रख के ये बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कम से कम एड कॉस्ट है और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट जाना है, तो यार इसके तू बींग अ लिए पाकिस्तानी ना बन मेरी जान, तू बींग अ पाकिस्तानी ना बन, तू सीधा सीधा बता कि कन्वर्जन मैनुअल सीपीसी का मतलब क्या है, इसका गोल क्या है ये बता। ये ठीक चीजें है ना, ये देखो ये तुम क्या करते हो, भाई। कीवर्ड्स के अंदर ऐसे ही घुस जाते हो और तरह तरह की एनालॉजीज निकालते हो, जिसकी वजह से कीवर्ड रिसर्च मुश्किल हो जाती है। होती है ऐसा, होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना ऐसा ही होता है, अनान, नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल को आराम भाई, से मुझे देखो, सिर्फ कन्वर्जन वाली देखो चीज समझ नहीं आ रही कि मैनुअल सीपीसी से कन्वर्जन। सर कन्वर्जन वाली चीज इनको समझ में जब आएगी, जब ये खुद प्रैक्टिकल कर लेंगी ना, फिर और क्लियर हो देखो ना, जाएगी। मैनुअल सीपीसी मैक्सिमाइज क्लिक से आपकी पेड ऑडियंस गई, आपको नहीं पता कि कन्वर्ट होनी है कि नहीं, वो आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये यूज करोगे, एक तो टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, अगर हो रही होंगी रोजाना एक दो कन्वर्जन आ रही होंगी तो 30-40 दिनों के बाद आप ऐसा ऐसा ऑटोमेटेड की तरफ जाओगे, ठीक है। ओके मेन मकसद इनका क्लिक्स है, कन्वर्जन्स नहीं है इन इन टारगेट्स का, हमारा अल्टीमेट गोल कन्वर्जन्स लाना है, लेकिन इन अपना इन बिडिंग स्ट्रेटजीज का मकसद क्लिक्स लेके आना है, एक ऑटोमेटेड तरीके से, एक मैनुअल तरीके से, और एक सेमी ऑटोमेटेड से, ठीक है। ओके ओके हो गई क्लियर ये चीज। अच्छा अब आपको समझ आ गया स्टार्ट में हम क्या करेंगे और कैसे लेके चलेंगे। अच्छा इसाम भाई, ये ई सी पी सी जो है ओके अच्छा, इसमें मैनुअल सीपीसी हम करते हैं बजट कंट्रोल के लिए, बहुत अच्छी इन्होंने बताया है, ये तो क्लैप हो जाएगी इनके लिए जबरदस्त, ठीक है। हम जब हमारा हम चाह रहे हो कि हम अपने पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल रखें तो देन वी यूज मैनुअल सीपीसी, ये बातें याद रखना, मैं बता रहा हूँ। ये जब सारी सच एड्स खत्म हो जाएगी ना, उस दिन जब मैं आपको ब्रांडेड कैंपेन्स, नॉन ब्रांडेड कैंपेन्स और ये थोड़ा बहुत आधे 45 मिनट का लेक्चर लूंगा, उसके अंदर ये सारी चीजें काम आनी है। इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा इस में, सारी अच्छा बातें तो एड रन करते वक्त ही पता चलेंगी, वैसे तो एंड अच्छा तक जाते। अच्छा सुनो, मैच टाइप कौन सी यूज करोगे, अगर ये आप यूज कर रहे हो मैनुअल एग्जैक्टली सी यूज कर रहे हो, एग्जैक्ट यूज करोगे में कर, क्यों? क्योंकि अगर ब्रॉड या उसमें करते हैं तो वो क्लिक तो ले आएगा, लेकिन वो हमारे इरेलेवेंट होंगे ज्यादातर, तो उसका फायदा नहीं है। ओके फ्रेज फ्रेज भी तो कर सकते हैं। मुझे अब तसल्ली से ना इसकी रीजंस बताओ। फ्रेज तो हम इसलिए करेंगे ना क्योंकि हमें मतलब पता तो है ना कि ब्रॉड
बिजनेस के इस बारे में है, लेकिन एग्जैक्ट जो है उसमें जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो फ्रेज हम इसलिए करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी ना हो, लेकिन रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो टारगेट भी हो जाए जो हम सर्च टर्म यूज़ करेंगे फ्रेज में। साथ मैनुअल सीपीसी यूज कर रहे हो? ये उल्ट नहीं कर गई है? मुझे सॉलिड रीजन बताओ कि फ्रेज क्यों यूज करोगे या एग्जैक्ट क्यों यूज करोगे। क्योंकि हम कीवर्ड्स पर अपना बजट सेट कर सकते हैं, मतलब कोई कीवर्ड अच्छा रिजल्ट दे रहा है या इस तरह हम डिफरेंट कीवर्ड्स पर चेक कर सकते हैं। वो तो आप मैनुअल सीपीसी की बात सही कर रहे हो, आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके साथ मैच टाइप ये यूज क्यों करोगे? वो तो आप फ्रेज में भी कर सकते हो, ब्रॉड में भी कर सकते हो। अच्छा एग्जैक्ट में ना शाम भाई, क्योंकि हमें हम एग्जैक्ट में वो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमें पता होगा कि ये 100% रिलेटेड टू आवर बिजनेस है, और उधर से हम मैनुअल सीपीसी यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट मैच इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 100% रेलेवेंट होगा, और जो क्लिक आएगा वो हमारा रेलेवेंट होगा, उसमें मैनुअल सीपीसी या तो हमारा बजट भी ज़ाया नहीं होगा। ओके ठीक है, आप पहुंच गए बहुत करीब। ये अभी स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये आगे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। आप जब 100% श्योर होते हो ना, चलो मैं बता देता हूँ, जब 100% श्योर होते हो, भाई मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर 40 से 50% मेरा कन्वर्जन रेट है, ठीक है, इनकी मैं एक अलहदा कंपेन बनाता हूँ, उसके अंदर डालूंगा, उस पर मैनुअल सी पी सी लगाऊंगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट में रखूंगा, तो इस पे कन्वर्जन आने ही आनी है। मैनुअल सीपीसी की समझ आ गई है, क्लिक लाना हमारा अपने कंट्रोल है, एग्जैक्ट हम क्यों यूज करेंगे इसके साथ? फिर मैं बताऊं सर, इस सिचुएशन में जो मैंने अभी बताई है, समझ आई है ये सिचुएशन? दोबारा बताइएगा। छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जैक्ट अब याद रखना, एग्जैक्ट का मतलब ये है कि हम कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे मैनुअल सीपीसी का मतलब है कि कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर आपने फ्रेज ही यूज करना है और ब्रॉड ही यूज करना है, तो मैनुअल सीपीसी क्यों यूज कर रहे हो? मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज करो। सही पकड़ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस जी 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 सर, कितनी छोटी सी और लॉजिकल सी चीजें हैं। अच्छा इसका बताओ, इसको हम क्यों यूज करेंगे और इसका गोल क्या होता है? ज्यादा से मैक्सिमम क्लिक लाने के लिए, और प्लस हमारे पास डेटा इकट्ठा करने के लिए विद इन कंट्रोल्ड बजट। हाँ, कंट्रोल बजट नहीं, ये आपका बजट ज्यादा ज्यादा लेगी, जितने ज्यादा क्लिक्स विद इन द बजट ला सकती है ये लाएगी। सही है, तो यहाँ बजट कंट्रोल का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। हम इसका गोल ये होगा, हमारा गोल इसमें ये होगा कि हमारा जितना बजट होगा, हम गूगल को ये चीज़ कहेंगे कि हमारा जितना बजट है, ठीक है, हमें उस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला के दो। हाँ, ये बजट ओवर यूज़ भी कर सकती है, थोड़ा सा कम यूज़ भी कर सकती है, तो इधर बजट कंसर्न नहीं है आपका, आपका कंसर्न है क्लिक। ओके जी जी ओके यस ओके ओके, ये हम कब यूज करेंगे ये बताओ? ये हम ब्रांडेड या कंपैरेटर कैंपेन्स में ज्यादातर यूज करते हैं, जब हमें अपना एड टॉप फोर, हमारे पास इस पे ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लोग टॉप ऑफ द पेजेस को शो करवाना चाहें, और within one search page हो, या top four positions में, और absolute top of the page, इसमें तीन options होते हैं, और ये इसमें हमें अपने जी हाँ हाँ बोलो बोलो इसमें अपने ad के लिए impression के लिए ad impression के लिए हम इसको use करते हैं, और ये branded और competitor campaigns दोनों के लिए use हो सकते हैं। ओके, ब्रांडेड के लिए तो मैं आपके साथ जाऊंगा, ठीक कह रही हैं बिल्कुल, आप ऐसे ही होता है, लेकिन कंपेटिटर में डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, उसके अंदर बहुत कहना मुश्किल है कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं करेगी। सिर्फ ये इसीलिए यूज़ होती है, कोई और टारगेट इंप्रेशन शेयर किसी और कैंपेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं,
नहीं मेरा नहीं ख्याल और किसी के लिए हो सकती है। सर ये न्यू ब्रांड लॉन्च होता है तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी इसको चला सकते हैं। बेसिकली इसका गोल गोल विजिबिलिटी है, बट अभी इस चीज को भूल जाओ कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए। मैं जिस बात को कह रहा हूँ उसको पकड़ो, विजिबिलिटी गोल है इसका, ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज करना है तो आप ग्राफिक्स दिखाओगे ताकि आप ज्यादा अरसे तक याद रहो, अपने उसके माइंड में याद रहो, क्योंकि बंदा देख के ज्यादा जल्दी पिक करता है, विजुअल्स और ऑडियो। ओके ओके सर्च की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। इसको हम इसका कर सकते हैं ऐसा भाई कि टारगेट इंप्रेशन शेयर हम इसका करते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सिर्फ वो आए ना आए वो अलग बात है। हाँ आप वीडियो आर्ट्स चलाओ इस पे, वीडियो आर्ट्स चलाओ, बैनर्स चलाओ, बैनर्स पे आई थिंक ये चलती है। अपना दानिश, दानिश हो गए एज यूजुअल। एहसान भाई हाँ जी, ये जो मैच टाइप्स हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, हाँ मेरा पॉइंट इस पे मतलब क्लियर नहीं हो रहा, ये मुझे जो ना बिल्कुल भी समझ नहीं आते, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा ही था कि हम लोग कीवर्ड लेवल पे ही जाके मैच टाइप्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं होती है, मोस्टली वीडियोस में भी इतना क्लियर नहीं है। तो प्लीज आप इसके ऊपर एक लेक्चर रख दें, ये करते हैं इसके ऊपर करते हैं, लेकिन तब ये जब एक दफा पढ़ा देना आपको, ये जितने भी लेक्चर्स रह गए हैं सर्च ऐड एक दफा एंड हो जाए, यही करना है। ओके ओके मुझे अच्छा मुझे बताओ कि टारगेट इंप्रेशन शेयर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के लिए यूज होती है, कोई और नहीं है चीज? नहीं आई डोंट थिंक सो, मुझे ब्रांड और कंपैरेटर का ही पता है। विजिबिलिटी, कोई न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च, गोल हमारा हां न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे फिर वही मेरी जान बात आ जाती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर तो आपका ब्रांड पुराना है और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो गूगल सर्चेस के ऊपर इतनी सर्चेस नहीं होंगी जब तक आप एक अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर देते, और अवेयरनेस क्रिएट होगी थ्रू विजुअल्स ग्राफिक्स। ठीक है समझ आई बात? यस सर। निम्रा ये अगली दफ़ा तुमने ये आना है ना, मैं कल आना लेक्चर, ये मुझे बताना है आगे कि इसके अलावा कोई और ऐड है, कोई और कीवर्ड्स हैं जिनको हम टारगेट करें तो ये टारगेट इंप्रेशन शेयर लगा सकते हैं। ओके गोल याद रखना, इसका क्या गोल है? ठीक है जी, ये लाइन याद रखना, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, मुझे फिर कल आके बताना है कि हम कैसे किसके ऊपर ऐड चला सकते हैं इसके अलावा, या कोई और भी है कि नहीं है, मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ भाई। ठीक है ओके ठीक है यार, आई थिंक क्लास का टाइम भी ख़त्म वो हो गया है, एंड होने वाली है, क्या रखिएगा? सही है, समझ आई आज की कुछ? आप ऐसा भाई वो AI वाला सीन, AI आप रुकना जरा, आप रुकना ठीक है सर, मैं रुकूं या जाऊं?